हेलो गाइस गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिंग का ऑर्गेनिक ट्रैफिक। क्योंकि बहुत लोग ये जानते हैं कि बिंग एक सर्च प्लेटफॉर्म है। उनको ये भी मालूम होगा कि बिंग जैसे प्लेटफॉर्म से अपनी साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाया जा सकता है। और जिनको ये नहीं मालूम है तो उनको मैं सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। ये मेरी एक साइट है, जिस साइट पे आप देख सकते हो कि इसका 70-80% जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। और ये साइट अभी रैंक भी नहीं है, इस पर डेली का 20-25-30 व्यू, इससे ज्यादा व्यू भी नहीं आता। लेकिन सभी देख लो, डेली में आपको ऑर्गेनिक व्यू दिख रहा है। और ये ऑर्गेनिक व्यू अगर मैं चेक कराऊं तो ये सारा जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसमें से 50-60% ट्रैफिक बिंग एड्स से है, मतलब बिंग सर्च प्लेटफॉर्म से है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट डे का चेक कराऊं, उसके बाद चेक कराऊं तो सभी है, जितना भी ट्रैफिक आया उसमें बिंग प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और ये बिंग प्लेटफॉर्म से मैं अपनी साइट पे कैसे ट्रैफिक लेकर आया हूँ ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कैसे आप भी अपनी साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो बिंग प्लेटफॉर्म से। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। मुझे मालूम है 90% लोग वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक नए ब्लॉगर हो तो आप लोगों को कुछ ऐसी ही चीजों की जरूरत होती है। आप अगर इन सब चीजों को स्टार्टिंग में फॉलो कर लोगे तो आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इम्प्रूव कर ले जाओगे आने वाले 6 से 7 मंथ के अंदर। और जहां आपने एक बार 100K का ट्रैफिक टच कर लिया, देन उसके बाद आपको दोबारा कभी पीछे जितने भी आपने बैकलिंक, जितने भी कीवर्ड, जितने भी SEO पे एफर्ट डाला है, जितना भी मेहनत की है, वो मेहनत आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। आपकी एक बार अथॉरिटी बन जाएगी गूगल की नजर में, फिर उसके बाद केवल और केवल आप पैसा और ट्रैफिक देखो, ठीक है। अगर आप अभी मेहनत करके इस वीडियो को देख लेते हो और समझ लेते हो कि कैसे बिंग एड से ट्रैफिक लाया जा सकता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम पे। और अगर आप ऐसी चीज नहीं देखना चाहते हो तो वीडियो को स्किप कर दो, तुरंत चले जाओ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को सिखाना भी नहीं चाहता हूं। मैं केवल उन्हीं लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा मैंने चैनल बंद कर दिया था लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया है। मैं उन लोगों को ही टारगेट कर रहा हूं जो लोग सही में ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए ये वीडियो है और मैं टाइम नहीं लूंगा आपका, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक। चलिए जानते हैं कि कैसे बिंग एड से ट्रैफिक लेकर आएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए मैं जब लेकर आता हूं तो बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, ठीक है। तो इसी उम्मीद पे खरे उतरो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ, ओके। देखो, आपको मैं सबसे पहले बिंग एड्स पे अपने कुछ कीवर्ड सर्च करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, एक कीवर्ड है APJ अब्दुल कलाम क्वाइट्स। तो APJ अब्दुल कलाम क्वाइट्स पे मेरा जो कीवर्ड, मतलब मेरी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पे देखो रैंक कर रही है, ठीक है। जब मेरा कीवर्ड फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है मुझे यहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रहा है। ये एक जोकर क्वाइट्स है, यहां पर भी मेरी साइट रैंक कर रही है और यहीं से मुझे ट्रैफिक मिल रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो साइट गूगल पे रैंक नहीं कर रही है वो साइट बिंग पे कैसे रैंक कर रही है। तो देखो, बिंग क्या है कि बिंग की जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है, मतलब बिंग को केवल और केवल US, UK और कैनेडा में ही यूज किया जाता है। जब से ये गूगल आ गया है, गूगल का आया है सर्च प्लेटफॉर्म, तब से लोग बिंग की तरफ से हट चुके हैं। लेकिन आज भी US में लोग बिंग को ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं, क्योंकि बिंग पे जो साइट्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छी लॉयल चीजें प्रोवाइड करती हैं। इसलिए बिंग प्लेटफॉर्म पे आज भी US, UK जैसी, मतलब जो कंट्री है वो इन जैसे प्लेटफॉर्म पे निर्भर रहती हैं और अपने कंटेंट और अपनी जितनी भी उनकी नीड होती है वो बिंग याहू को ही यूज करती है, ना कि गूगल को, ओके। अगर आप अपनी साइट को या फिर अपनी वेबसाइट की जो नीच है उस नीच को ऐसा टारगेट करो जिसकी नीड, मतलब जिसकी जो सर्च है वो US और UK में भी है, और आप गूगल पर ना बल्कि आप बिंग और याहू पे टारगेट करके उन कीवर्ड्स को रैंक करा दो, तो आपको US और UK का ट्रैफिक बिंग और याहू इन दोनों प्लेटफॉर्म से ही मिल जाएगा, जो कि आप हमारे एनालिटिक्स में देख सकते हो। मैंने कोई भी कीवर्ड को गूगल पे रैंक नहीं कराया, बल्कि मैंने अपने कीवर्ड को बिंग जैसी साइट्स पे रैंक कराया, बिंग जैसे प्लेटफॉर्म पे रैंक कराया, और मुझे बिंग का ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिला, ठीक है। और ये पूरा बिंग का जो ट्रैफिक है वो US और UK का। अगर मैं अपने ट्रैफिक को दिखाऊं तो मेरा आप ट्रैफिक देख सकते हो, इंडिया है लेकिन US भी है। क्यों है? क्योंकि आज भी US और UK मेरा ट्रैफिक देख सकते हो। US और UK का ट्रैफिक इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं जो अपनी साइट को टारगेट कर रहा हूँ वो US और UK को ही टारगेट कर रहा हूँ, और उसके लिए बिंग और याहू एड सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इन
प्लेटफॉर्म को टारगेट कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं, तो आपको करना क्या है, आपको तो सबसे पहले ऐसी नीच को सिलेक्ट करना है जिसकी मतलब जिसकी जो सर्च है वो यूएस और यूके में भी हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी साइट पर बस एक नॉर्मल जैसे आप गूगल पे कंटेंट पब्लिश करते हो वैसे कंटेंट पब्लिश करो, ठीक है। उसका एक अच्छे से एसईओ करो, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग जो एसईओ कर रहे हो ऑन पेज एसईओ वो स्पैमी वे में नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में करो, ठीक है। और जैसे कंटेंट आप पब्लिश करते हो साइट पे वैसे पब्लिश करो। बस आपको करना क्या है, जैसे आप सर्च कंसोल गूगल का जो सर्च कंसोल है वहां अपनी साइट को डेली सबमिट करते हो और वहां पर अपनी वेब मास्टर टूल पे सबमिट करके अपनी साइट को वेरीफाई करते हो, वैसे ही आपको सर्च जो बिंग का सर्च प्लेटफॉर्म है वहां पर अपने कंटेंट को शो कराने के लिए बिंग जैसे प्लेटफॉर्म के सर्च कंसोल पे भी अपनी साइट को रैंक कराना पड़ेगा, और यहां पर भी डेली आपको अपनी साइट का सर्च का मतलब जो साइट मैप है उसे सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्च मतलब कंसोल होता है ये हर एक प्लेटफॉर्म को ये बताता है कि ये एक यूजर है, इसकी ये वेबसाइट है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट तो एक सर्वर पे होस्ट है, आप उसे गूगल पे दिखाना चाहते हो तो आप अपनी साइट को गूगल के सर्च कंसोल पे सबमिट करते हो, वेरीफाई करते हो, तो गूगल को लगता है कि हाँ ये बंदा अपने कंटेंट को गूगल पे टारगेट करना चाहता है, सो इसको भी जो ये जो कंपटीशन है रैंकिंग का इसमें घुसोड़ दो। और वहीं अगर आप बिंग में भी अपनी साइट को सबमिट करोगे तो बिंग भी आपको यही समझेगा कि ये भी एक यूजर है जिसे अपनी मतलब साइट को अपने कंटेंट को बिंग प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, इसलिए इसको वेरीफाई किया है। तो इसे बताने के लिए आपको अपनी साइट को यहां पर सबमिट करना पड़ता है और बताना पड़ता है हर प्लेटफॉर्म को कि हाँ हमारी साइट है, आप यहां पर इसे रजिस्टर्ड करिए क्योंकि हम आपके प्लेटफॉर्म पे भी अपने साइट को अपने कंटेंट को पब्लिश करना चाहते हैं और अपने यूजर तक का पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको बस सर्च कंसोल पे इसको वेरीफाई कर लेना है। अब वेरीफाई कैसे करोगे वो मैं बता देता हूं, आपको नॉर्मल बिंग वेब मास्टर टूल सर्च करना है, उसके बाद कुछ ऐसा ही प्लेटफॉर्म आएगा। यहां पर क्या करना है, आपको अपनी एड साइट में ऐसे एड अ साइट जाओगे तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आएगा, यहां पर आप अपनी साइट का यूआरएल डालो, ऐड करोगे तो एक कोड मिलेगा, उस कोड को आप कॉपी करो और कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सा अगर आप अपनी साइट पे योस्ट का एसईओ प्लगइन यूज करते हो या फिर आप ब्लॉगर पे हो तो आप एचटीएमएल के नीचे कोड कॉपी कर दो, लेकिन अगर आप मतलब वर्डप्रेस पे काम करते हो और आप योस्ट का प्लगइन यूज करते हो तो बस आप नॉर्मल जर्नल पे जाओ और वेब मास्टर टूल पे चले जाओ लास्ट में, यहां पर आप देखना बिंग एड्स आपको दिख रहा है, बस बिंग एड्स में अपना कोड डाल के सेव चेंज कर दो और यहां पर आके वेरीफाई कर दो। देन उसके बाद आपका जो साइट है वो कुछ देर में वेरीफाई हो जाएगा और आने वाले टाइम पे, ठीक है, आपका जो साइट है उस साइट का एसईओ जो आपने कंटेंट लिखा है उस कंटेंट की वैल्यू को देखते हुए आपकी साइट को वहां पर रैंकिंग दी जाएगी। आप देख सकते हो मेरे काफी कीवर्ड गूगल के फर्स्ट पेज बिंग के सर्च फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। अगर मैं ये देखो ये कीवर्ड है गुड थॉट इन इंग्लिश, अगर मैं इसे सर्च करूं तो शायद ये सेकंड नंबर पे ही आएगा, ठीक है। सो अगर आप ऐसे ही कुछ कीवर्ड को आप यहां पर देख सकते हो, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो जो मेरा पूरा ये स्टैट आप देख सकते हो, यहां पर इस कीवर्ड पे मेरी साइट सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है। सो ऐसा कैसे है, ऐसा इसलिए है कि मैंने अपनी साइट पे ऐसे कंटेंट पब्लिश किया जो मेरा कंटेंट पब्लिश करने का स्टाइल था वो बहुत ही यूनिक था और वो बिंग एड्स पे कोई ऐसा यूजर नहीं था जो मेरे तरह कंटेंट पब्लिश करता हो, ठीक है। मतलब गूगल जो है जैसे यूनिकनेस देखता आपके कंटेंट की, वैसे बिंग सर्च प्लेटफॉर्म भी बिंग एड्स के जो क्रॉलर होते हैं वो भी आपकी कंटेंट की यूनिकनेस देखते हैं। सो उसमें अगर आप यूनिकनेस देखेगा और आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो नॉर्मली उसे रैंक करा देगा और वहां से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। सो अगर आप लोग इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं और यूएस और यूके जैसी साइट को टारगेट कर रहे हैं और गूगल के पीछे पड़े हैं तो आपसे मैं एक बार बस यही कहूंगा कि नॉर्मल आप लोग गूगल को छोड़ो और बिंग और याहू को टारगेट करो और वहां से ट्रैफिक लाओ। आपने इस चैट भी देखा कैसे वेरीफाई करना है वो भी देखा, आपने ये भी देखा कि कैसे वहां पर मैं रैंक कर रहा हूं। सो इतनी सब चीजें देखने के बाद भी अगर आपके कान पे या फिर आपको मतलब मन नहीं कर रहा है इस पे वेरीफाई करके सब करने का, सो भाई नॉर्मल सी बात है, जब तक स्टेप नहीं लोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो एक बार स्टेप लो, देखो क्या वैल्यू मिल रही है, देन उसके बाद अगर वो चीज सही लगे सो आगे उसको यूज करो, वरना वहीं से छोड़ दो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो पूरा वीडियो था
आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो काफी लंबी हुई लेकिन जिन्होंने देखा उनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।